अजीत जी की घटना हुई है तुहाडे भरा नाल, किस तरह की घटना वापरी है? जी सवेरे लेके गए ने जी, कोई पता नहीं हैगा भी किहड़े टाइम लेके गए ने। कौन लेके गए ने? बिजली मुलाजम ने जी। इन्हां ने कोई परमिट नहीं लिया, कुछ नहीं, जान सार मेरे भरा नूं चढ़ाता। उदों बाद इन्हां ने घरें तक नहीं खबर करी भी थोड़ा मरीज ऐ हो गया। मैनू किसी बंदे का फोन आया भी तेरे भरा नूं लेके जा रहे ने। मैं नाल दी नाल मोटरसाइकिल पिछे लाया तो दुर्गा दल च गया जी। मैं उत्थे जाके उन्होंने डॉक्टर कहते भी डेड है जी। किस तरह डेड? करंट लगे जी। उ कोई दसन नहीं आया जी। बिजली मुलाजम इन्हों की अणगहली कारण मेरे भरा दी, बिजली महकमे की ओरी कारण जी, अणगहली कारण बिजली मुलाजम ने। नाम की नाम मुंडा मंग जी। मैनू मेरे भाई की मौत का इंसाफ चाहिए जी। ये चौथी मौत है मेरे पिंड च। मैं ये चाहना भी किसी होर माँ का पुत ना जाए जिमें मेरा भाई गया, होर भाई ना जाए किसी का। ये तीन नौजवान पहला मर चुके ने, इन्हों की अणगहली कारण मर रहे ने जी। बस मैं इंसाफ मांगता जी। प्रशासन आया कोई? कोई प्रशासन नहीं आया जी। असं थाने भी गए हाँ, बिजली महकमा कोई नहीं आया साढ़े नाल हूँ। तो मैं तो यही इंसाफ भी मैं इंसाफ कोई मुलाजम नहीं आया जी। असं धरना लाया जी। मैं मरनों मर जूँगा पर मैं इंसाफ लेके हटूँगा। बस भरा तो जी खेतीबाड़ी भी करता थी, बस ये कोई लालच दे के लै गए कितने जाके खंभे ते बिना परमिट तो सारा पिंड गवा बैठे। कोई परमिट नहीं लिया गया तो उन्होंने चाड़ते भूतना रोड ते जी। लाइन फाल्ट हुई नूं 3 दिन हो गए अज्ज, 2 3 दिन इन्हां तों फाल्ट निकलिया नहीं। इहनूं इन्हां ने कोई इंजीनियर नहीं बुलाया हैगा। इन्हां ने इहनूं जवाक नूं जाके उत्थे चढ़ाता बिना परमिट लए, उहदी करंट लगण नाल दी डैथ हुई। इह दोषी किहनूं मानदे सी? इन्हों ही मानते जी। बिजली मुलाजम बिल्कुल अणगहली करते। तीन चार बच्चे पहला अज साडे पिंड दा चौथा फेर गया जी, किसी माँ का पुत्त चौथा फेर। प्राइवेट बंदे क्यों कम करवाया गया? क्योंकि जी इन्हों तनखाह मिलती है 40-40 50-50 हज़ार रुपये। ये देंगे ने इतने 2000 रुपया किसी भी, चाहे मैनू लो। इस तरह हो गया जी। परिवार की मंग दी? परिवार यही है जी कि इन्हों जो दोषी ने इन्हों सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कोई कंप्लेट वगैरह कराई है? पुलिस अधिकारी आए ने? हाँ जी हाँ जी आए। मेरा नाम डॉक्टर सुदर्शन सिंह जी। अच्छा जी, ये किस तरह घटना वापरी है जी, पूरी गल जानना चाहेंगे? ये अज सवेरे सानू पता लगे, मैं 8 बजे जो अपनी दुकान पर आया पिंड साढ़े इतने जगदीश जी ने एक जोड़े साइकिल का काम करते हैं रिपेयर का। जो मैं अपने घर में जा रहा दुकान तो उन्होंने दसिया भी थोड़ा जोड़ा ब्रदर है भी बिजली मुलाजम ने जोड़े वो लेके गए हुए उन्होंने पात्रा मोटरसाइकिल बिठार गया भी उन्होंने कुछ जी है सेहत नाजक है भी तुम उन्होंने गौर करो। तो तद ही मैं अपने ब्रदर ने फोन किया भी इस तरह घटना वापर गई, तुम चलो मैं आया। तो जो सू पता लगे जाके पात्र तो वो डेड पाया गया, डॉक्टर ने जो दसिया भी डेड है बड़ी। लेकिन सूँ पता लगे पिंड भी जो उन्होंने करंट लगे हजे वो जीवित से पिंड जेडे डॉक्टर ने एक इतने प्राइवेट डॉक्टर दिखाने की कोशिश की उन्होंने दो डॉक्टर। तो उस टाइम जीवित तो ही हो सकता जे उस टाइम उन्होंने गौरव हो जाती अज साडा भरा साडे विच मौजूद हुंदा क्योंकि मौके ते ऑक्सीजन मिल जांदी उन्हां नूं ते खून दे सर्कल चलाउण वास्ते कोई इंजैक्शन वगैरह उन्हां दे लाए जांदे ते मौके ते ओह सामने जिम्मेवार इहदे विच सारा जिहड़ा साडे पिंड ग्रैड दा बिजली मुलाजम ने सारी तकरीबन। मैं कल्ले इक दा नाम नहीं लैंदा, किसे मेरे नाल किसे दी निजी दुश्मनी नहीं है। सारे जिन्ने भी हैगे उन्होंने अज 3 दिन हो गए साडे जिहड़े इस लाइन दे विच फाल्ट पए नूं। कोई इंजीनियर नहीं बुलाउंदे इह, कोई उच्च अधिकारी नहीं बुलाते हैं। आप जो छोटे मोटे पिंडों के काम करते हैं जां मेरे वर्गे नूं जिन्हों नहीं भी पता होंदा उन्हों भी लै जांदे ने। मेरे वर्गे की मजबूरी हो जाती है, जिहड़ा बंदा जिहदे बच्चे गर्मी च मर रहे हैं जां जिहदी जीरी सुकन लग रही है उन्हों चढ़ना पैंदा भाई। हुण तुसीं प्रदर्शन कर रहे हो, तुहाडी मंग की हैगी? साडी मंग यह है भी जिन्ने भी बिजली मुलाजम साडे पिंड दे ग्रैड दे ने इत्थे जिहड़े इस दे विच जिम्मेवार ने उन्हां नूं सज़ा मिलनी चाहिए है, सख्त तों सख्त सज़ा मिलनी। पहलां वी कोई इस तरह दी घटना वापरी नहीं? इस तरह दी घटना साढ़े इत्थे 4 वापरियां जी। आ पिछे एक लॉकडाउन की गल है, साढ़े इत्थे जसवीर सिंह फौजी नाम का व्यक्ति सी, फोन ते उन्होंने जरूर गल की है लेकिन उहदी की गल हुई सी भी पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्हें रजिस्टर दे विच आ के लिखाया नहीं सी भी साडी लाइट खराब है। जे किते उह कार्रवाई दे विच आया हुंदा तां अज्ज इन्हां नूं सज़ा मिली हुंदी।
ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੀਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜੈਂਪਰ ਕਦੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਜੈਂਪਰ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭੂਤਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸਵੇਰੇ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਵੇ ਹੁਣੇ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੂਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨਾ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੱਟਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਕਰ।